आएगा, आगे थोड़ी ना आएगा। भैया मोबाइल पीछे करो, थोड़ा पीछे आओ जगह, थोड़ा सा चलिए सर। और कैमरा किसान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा बिगाड़, देखिए सर कैमरा पीछे। अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, राष्ट्रीय ध्वज ने माल्यार्पण किया है। और दूसरा मैं कहूँ ना, ये जनता से मेरा विजय करना चाहते। अब पीछे तो ढकेलो नहीं यार, ये पीछे धक्का मारेंगे सब गिरेंगे। भैया काहे कर रहे हो यार, बता दे क्या। भैया धक्का ना दो, गिर जाएगा सब गिर। ऐतिहासिक कार्यक्रम था, उनसे जो न्याय मिल जाना चाहिए था वो अभी भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। यार ऊपर मत चलो यार, अभी भी वो देखो भाई साहब लगातार घटनाएं होती आईडी जा रही है। आईडी ऊपर खड़े, आपको याद होगा संगम में प्रधानमंत्री जी ने की सेना सीमाओं पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी जाएगी और सरकारें बनेंगी जाएंगी, सरकारों से नहीं। सुरक्षित है हमारा देश, इसलिए सुरक्षित है क्योंकि सेना के हाथ में। और गिरिराज सिंह ने धमकी दी है, कहा चुनाव के बाद मैं जाऊंगा रामपुर और बताऊंगा बजरंगबली कैसे बदला। उन्हें टिकट मिल गई कन्हैया, टिकट मिल गई है तो क्या जीत रहे हैं वहाँ के लोग ही उन्हें सबक सिखा देंगे। सर मेनका गांधी जी ने मुस्लिम महिलाओं को धमकाते हुए कहा है कि अगर मुझे नहीं जिताया तो मेरे पास काम अदला बदली हुई है। दोनों सीटें महागठबंधन जीतने जा रहा है। ये मामले क्योंकि चुनाव के करीब आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है। अब नई सरकार ही नई दिशा में कुछ रास्ता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया एक हो गई है, आपको बहुत समझदार होना पड़ेगा, लोकतंत्र में बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि कौन किसकी सरकार बनने जा रही है। आप ही का अगर स्टेटमेंट है कि फ्रांस के अखबार, अब वो पत्र की कॉपी मैं आप तक पहुंचा भी दूंगा। और उन्होंने दोनों ने संकल्प लिया था या शुरुआत करना चाहते थे दोनों एक साथ लड़कर के सामाजिक न्याय या देश की राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए अपना काम कर रहे काम न करें। लेकिन समय ने उन्हें मौका नहीं दिया जिसके कारण दोनों साथ नहीं रह पाए। लेकिन उसी समय ये चाहते थे दोनों में कि यहीं पर सब सामान बनेगा, मेक इन इंडिया होगा। लेकिन सब लाइसेंस उन्होंने अपने लोगों को चीन से सामान मंगाने के लिए दे दिया। अब कभी चीन के अखबार में कुछ निकलेगा। इसलिए मेरा जनता से निवेदन है कि दुनिया के दूसरे अखबारों में आपके देश की बुराई न छपे, इसलिए एक अच्छी सरकार चुने और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटा रहे हैं वो सरकार चुनी जाए। आप सबका पैसे साथियों का सुबह से आने की वजह से मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्दी आपको बुला लिया था, आप सबका आभार प्रकट करता हूँ।